आए दिन साइबर ठग साइबर ठगी के नए नए तरीके इस्तेमाल कर आम लोगों को शिकार बना रही है। बीते दिनों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारी या फिर CBI अधिकारी बनकर लोगों को साइबर अपराधी कॉल कर मनोवैज्ञानिक तरीके से घर में ही बंधक बनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। अब साइबर अपराधी आम लोगों को ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिनमें साइबर ठग कोविड वैक्सीन के नाम पर ठगी कर लोगों को शिकार बना रहे हैं। शातिर ठग लोगों को कॉल कर रिकॉर्ड मैसेज सुनवाकर जानकारी ले रहे हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, घर में किस किस को कोरोना हुआ था, परिवार में कितने सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई है, इस तरह की तमाम जानकारी ले रहे हैं। जिसके बाद बाकायदा हाँ के लिए एक और ना के लिए दो ऑप्शन चुनने के लिए एक और दो बटन दबाने का ऑप्शन दे रहे हैं, जिसके माध्यम से साइबर ठग आपके फोन को हैक कर अपने मोबाइल में सेव कीमती डेटा चुराकर उसके बल पर आपको बैंक अकाउंट में सेंध लगाकर पैसे निकालने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए साइबर ठगों के नए हथियार से सावधान रहें। मुरादाबाद में साइबर मैन के नाम से मशहूर साइबर एक्सपर्ट मनीष गुप्ता साइबर ठगों से बचाव के कुछ तरीके बता रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम साइबर ठगों का अगला शिकार होने से बच सकते हैं। इन्हें आप भी सुनिए। इसमें सबसे पहले जैसे वेरिफिकेशन कोड के नाम पे ठगी की जा रही है, लोगों के पास कॉल आता है कि आपका अगर वैक्सीनेशन लग गया है तो आपके पास एक कोड जनरेट हुआ है, नहीं तो आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो आपको कोड फीड करना है। तो कुल मिला के उसमें यही होता है कि बस OTP आपका वो शेयर करवा लेते हैं डायरेक्टली, और या आपसे ये कहते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और कितनों को कोविशील्ड लग चुकी है, है ना। वो एक नंबर, एक बस स्पेसिफिक नंबर नहीं बताते, बस वो ये कहते हैं कि नंबरों में गुमराह करते हैं आपको। आपको ये कहते हैं कि बस कोई सा भी, क्योंकि उनको बस एक ये कहना है कि आप नंबर तो दबाइए। अब वो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है उनको उसको दबाने का, वो कहते हैं दो दबाइए, तीन मेंबर्स कितने हैं कितने नहीं हैं, कुल मिला के फिर वो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसके ज़रिए आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेंगे और आपका जो मेहनत का पैसा है वो उसको चुरा लिया जाएगा। या आपसे कहते हैं कि जो आपकी वैक्सीनेशन की डेट थी, मतलब आपको इस तरीके से कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे सोचने के लिए कि हाँ यार ये बहुत काम के क्वेश्चंस हैं और इनको लेकर हमें बताना चाहिए इनको कि आपकी वैक्सीनेशन की डेट क्या थी। उस डेट को लेकर कि वो कोड बताते हैं कि अगर सपोज़ आपको 26 अक्टूबर को लगाए तो 26/10 इसमें आप टाइप कर दीजिए, है ना। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप डालेंगे, आपके मोबाइल का एक्सेस जाएगा या आपके बैंक की डिटेल जाएगी। या आपसे कहते हैं कि नंबर ऑफ डोज कितनी लगाई है आपने, है ना, एक लगाई है, दो लगाई है, या XYZ कुछ भी करके, और उनको केवल और केवल वो कोड जानना होता है या किसी लिंक पे क्लिक करवाना होता है। या वो ये कहते हैं, सबसे सिंपल जो सब पे कॉल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यदि आपने कोविड वैक्सीनेशन लिया है एक दबाइए नहीं तो दो दबाइए। इसको और कोई कहता है कि हमारा क्या जा रहा है, हम लोग कर देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो एक स्कैम में फंस रहे हैं, यानी कि लूटिंग स्कैम, इसका मैंने नाम रखा है लूटिंग स्कैम, कि इसमें वो लूट लेते हैं आपको, आपका एक ब्रेन वॉश करके आपको एक लूटने की राह पे निकाल देते हैं, जहां पे उन पे बहुत सारे तरीके हैं आपका बैंक की डिटेल जानने का। तो किसी भी तरीके की कोई भी सरकार की गाइडलाइन नहीं होती ऐसी कि जिससे वो आपको कॉल करके या आपके मोबाइल का एक्सेस लें या आपके बैंक डिटेल लें, इसलिए किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी बैंक डिटेल शेयर नहीं करें। अवेयरनेस, आजकल लोग सोचते हैं कि यार जो है कोई हमसे कोविशील्ड के लिए ले रहा है तो हमारे फायदे के लिए ले रहा है, नहीं, फायदा कुछ नहीं होता, केवल फ्रॉड होता है, केवल स्कैम होता है, केवल ये जो लुभावने ऑफर होते हैं सब स्कैम होते हैं, है ना। इस तरीके से लोगों से बचना चाहिए और कभी भी अननेसेसरी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई जानकारी ना हो। यानी कि कभी कभी तो ये भी होता है कि आपने वैक्सीनेशन के किसी लिंक पे क्लिक करा, एंड में उसने कहा इसको दो लोगों को भेजिए, आपने पता लगा अपने सगे संबंधी दो लोगों को और भेज दिया। अब उन्होंने आपका नाम देखा कि इसने भेजा है, ठीक है हम क्लिक कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो भी स्कैम में फंस रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम कभी भी पीछे से कोई मैसेज नहीं भेजते कि इस पे क्लिक मत करना, मेरा अकाउंट हैक हुआ है या मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, वो हम नहीं बताते, वो चैन बढ़ती चली जाती है। मैं साइबरमैन मनीष आपका भाई, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि सरकार ने और बहुत मेहनत से हमें एक वैक्सीनेशन दे के हमें बचाया है, लेकिन उस आड़ में अपने पैसों को मत गंवाइए, झूठे लोग आपने ऑफर के जरिए उन पैसों को मत गंवाइए। कोई भी आपसे आपकी पर्सनल जानकारी नहीं ले सकता और आपकी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बैंक डिटेल को चुरा ले। जय हिंद, जय भारत।